है श्री अशोक कुमार बागड़ी, कांस्टेबल बबलू मंडल, कांस्टेबल प्रसन्न। हेड कांस्टेबल मोहन सिंह तोमर, हेड कांस्टेबल विशाल कुमार, हेड कांस्टेबल बवारिया, कांस्टेबल कृष्ण वीर सिंह, सीआरपीएफ एएसआई राजेंद्र सिंह, एएसआई राम सिंह। शिवदेव सिंह नंबर 165 जेकेएपी सेकंड बटालियन ही अटेन मार्टिरडम इन ए बम ब्लास्ट एट एमएएम स्टेडियम जम्मू। देखिए ये जो 21 अक्टूबर का दिन होता है एक ऐसा हमारे लिए गौरव का और प्रेरणा का ऐसा स्रोत है और हम सब लोग मिलते हैं और जो हमारे पुलिस के और अर्धसैनिक बलों के जितने जवान थे जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा और समाज की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उनको याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको हम सब मिलकर एक सल्यूट करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि आने वाली पीढ़ी और देश के जितने हमारे नौजवान हैं और पुलिस के हमारे जवान हैं वो उनसे प्रेरणा लें और वैसे ही देश की आंतरिक सुरक्षा में कार्य करते चलें। और एक ऐसा अवसर आता है जिसमें यही नहीं पूरे देश में हर ज़िले में हर पुलिस या अर्धसैनिक बल हो वो सभी इन वीरों को याद करता है, इन योद्धाओं को सलामी देता है, श्रद्धांजलि देता है, अपने नमन अर्पित करता है।
धन्यवाद। इनके परिवारों को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से आपका इनको जो वो साथ मिलता रहे? हमारे यहाँ सांबा जिला में 20 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने भाई को या बेटे को सबसे बड़े बलिदान के लिए, देश के लिए न्योछावर किया है, उनको हम यहाँ बुलाते हैं। आज अच्छी बात यह है कि 20 के 20 परिवार यहाँ आए, उनको हमने सम्मानित किया, थोड़ा सा एक उपहार भी दिया, और कोई भी उनके मसले हों पेंडिंग, कोई अगर चाहे वो पुलिस विभाग के हों चाहे वो और किसी सिविल विभाग के हों, तो उनको हम समय समय पर सुनते हैं। हमारे अधिकारी उनके घर भी जाते हैं। अभी पिछले महीने हमने उनकी एक मीटिंग यहीं पुलिस लाइन में ली थी। आज की डेट में बताना चाहूँगा, सांबा जिला में जितने हमारे शहीद परिवार हैं, कोई भी उनका ऐसा मसला शेष नहीं है जिसपे कार्य पूरा ना हो चुका हो या फिर आगे की कार्रवाई ना की गई हो। धन्यवाद।